ओके, तो आज के सेशन में हम कर रहे हैं क्वेश्चन गेट 2020 का, ठीक है। ये पीडीई का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ट्रिक बेस्ड है, ट्रिक बेस्ड नहीं, ये कहिए फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला पता रहेगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई करने का तरीका, यहाँ पे कुछ मैपिंग दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है आपको, यूटी इक्वल टू यू एक्स एक्स, ये आपको गिवन है। ओके, विद दिस एंड ए ए, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज इनफाइनाइट डोमेन कह लीजिए या फिर इनफाइनाइट लेंथ कह लीजिए। एंड ये कुछ दिया हुआ, इसके बेस पे हमें ये बताना है कि एक के एक्स टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका हीट इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उस पर बेस्ड है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट डोमेन कह लीजिए। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि उसका फॉर्मूला और वो किस टाइप से होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्प्ले मैंने किया हुआ है, एक बार देखिए आप लोग, यही सेम क्वेश्चन था। इसको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अच्छा हीट इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट डोमेन के मैं जनरल स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो उसमें होता है जो मैंने लिखा था यहाँ पे, के इक्वल टू 1 है, तो हम साथ में कंपेयर भी करते जाएंगे। ये देखिए, ये होता है यू टी इक्वल टू के टाइम्स यू एक्स एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर, टी के हमारा टाइम है पॉजिटिव एंड दिस गिवन। अगर ए आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, ए इसका स्ट्रक्चर पहचानने का, जैसे मैंने वेव इक्वेशन में बताया था कि एक्स बिलोंग्स टू आर है मतलब वो इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, तो उसमें जो वेव इक्वेशन का हम लोग डीएलएम्बर्ट फॉर्मूला लगाते थे वही, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, वहां पे भी, यहाँ पे देखिये कुछ नहीं है तो इन टू 1 है, अतः के का वैल्यू क्या हो गया आपका 1। तो ये चीज कुछ कैलकुलेशन इस टाइप से करने हैं। ओके, ठीक है, इसका सोल्यूशन सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड मैंने बताते। अगर इस टाइप का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो सोल्व करने के लिए विद दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, देन इसका जो सोल्यूशन हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है। एक है 1/√4πkt इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक अलग इंटीग्रेशन ऑन आर, इस पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, और ए अंदर में कुछ होता है, फिर ये एफ हुआ, एफ कौन सा है, ए वाला है, गिवेन एफ, ठीक है। अब इसको सोल्व करके बस हमें यही करना है। तो यहां से देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले के एक्स टी जानना है, के एक्स टी जानने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए हमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है एंड इज गिवेन बाय दिस, मीन्स वही सोल्यूशन की बात कर रहा है जो हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात की। तो हम क्या करेंगे ना, कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद कुछ वहां से हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से तो पहले हमें पता चल गया था कि के इक्वल टू 1 है। ओके, तो यहां से देखिए ए हमने लिखा, इस दोनों को कंपेयर करिए, इसको और इसको कंपेयर करिए, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा होगा जो के एक्स माइनस वाई टी है वो क्या हो गया, ये चीज हो जाएगा। ओके, अच्छा इसके बाहर में कुछ नहीं है, तो कंपेरिजन में ध्यान रखना है, ये नहीं कि गलती कर देना है। यहाँ साथ में क्या है, 1/√4πkt, तो ये साथ में आएगा ना, तो यहां से के एक्स माइनस वाई टी क्या हो जाएगा, 1/√4kπt इंटू ई टू दावर दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ऑन कंपेयर गिवेन प्रॉब्लम विद 1 क्या था जो हमने ए पूरा माना हुआ है। ओके, के हमारा 1 पहले था, तो यहां से पता चल गया कि हमारा जो हो गया ये चीज इतना हो गया, ठीक है, जो मैंने बताया, इसको इसके साथ आप कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। ये कंपेरिजन में आप ध्यान रखना है, ये चीज आप एक साथ ले लेंगे, तो ये हो गया आपका के एक्स टी। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए ये पूछ रहे के एक्स टी मतलब हमें वाई को क्या कर देना है, 0 पुट कर दीजिए। तो वाई को 0 पुट करेंगे तो के एक्स टी बन जाएगा, तो के एक्स टी बन जाएगा, तो वाई को 0 पुट करके देखिए ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और के इक्वल टू क्या था हमारा 1 था, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, जस्ट मैं बोला था ना फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहां से हमारा ये तो के एक्स वाई टी था सिंपली। ओके, हमें के एक्स टी वाई इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो एक के एक्स टी निकल गया। अब क्या करना है, इसको जस्ट इंटीग्रेशन में रख दीजिए, तो ये 0 पुट करने पे क्या हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4t था, ये चीज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे के 1 पुट करता तो हमारा ये चीज पूरा आ गया, तो ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये देखिए ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 4πt तो इससे फ्री है, तो 4πt को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ये चीज हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ना आप जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे शायद याद होगा आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में, इसका डायरेक्टली हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, आपको याद होगा था अंडर रूट पाई,
ठीक है, आप बीटा गामा फंक्शन पढ़े होंगे, उधर से याद होगा, नहीं याद होगा तो आप ऐसे ही ज़ूम कर लीजिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे तो कुछ इस टाइप से ना, तो इसको हमें सिंपल मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40 है, तो इसको कुछ मुझे एस स्क्वायर टाइप से मान लेना होगा। अब एस स्क्वायर टाइप से सोल्व करने के लिए मतलब माइनस एस स्क्वायर इस टाइप में रिड्यूस करने के लिए कुछ एजम्पशन लेना होगा, तो एज्यूम कर लीजिए कि एक्स बाई अंडर रूट 40 को मैंने एस मान लिया, तो एस मान लिया तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने एस माना तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इधर ए आ जाएगा, तो इधर एस स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बताया था उसको अब हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो अब इधर से हमें डीएक्स था, डीएक्स भी तो चेंज करना पड़ेगा ना एस के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव कर दीजिए, इधर कर दीजिए, तो हमारे पास डीएक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डीएक्स बाई अंडर रूट 40 हो जाएगा, इधर डीएस हो जाएगा। तो अब हमें डीएक्स की जगह उठा के सब चीजों को रख देना इस इक्वेशन में, अब जो आएगा वो सोल्व कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ए हमारा बाहर ही था, अब यहाँ पे ई टू माइनस एस स्क्वायर हो गया, वहां पे पुट किया तो ए दोनों एक साथ आ जाएगा डीएक्स की जगह पे, तो अंडर रूट 40 डीएस, अब ये 40 से 40 कट जाएगा, अंडर रूट 40 से यहाँ पे बचेगा 1 बाई अंडर रूट पाई, ओके, तो 1 बाई अंडर रूट पाई इधर बचा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर ये बच गया, और थोड़ा देर पहले मैंने रिजल्ट रिकॉल कराया था, इसका क्या होता है हमारा डायरेक्टली रूट पाई होता है, तो रूट पाई से रूट पाई कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, खत्म, बस इतना ही था। तो उसका मैंने पूरा डेरिवेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ रिजल्ट जैसे यहाँ पे चीज हुआ था, तो मेरे को पता था कि मेरे को यहाँ पे कन्वर्ट करना, अदरवाइज आप यहाँ पे आके स्टक हो जाओगे कि इसके आगे कैसे करें, आप इसको सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो आप यहाँ पे आके फिर से फंस जाओगे, तो कुछ चीजें आपको इस टाइप का याद होना चाहिए, तभी आप क्विकली कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। थैंक यू।